रिकंस्ट्रक्टेड है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को वापस नाम दिया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसको वापस से नाम दिया गया। नीरज चोपड़ा कौन से स्पोर्ट्स है, ये जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। विच इज़ नॉट ए कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, फायरवुड एक कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हु इज़ द रनर अप इन द रिसेंटली हेल्ड UEFA यूरो 16, तो यूरो कप जो हुआ था 2016 के अंदर, उसके अंदर रनर अप कौन था, उसके अंदर रनर अप फ्रांस था। और इसके जो विनर थे, आपको विनर भी ध्यान रखना है, इसका जो विनर थे वो थे पोर्चुगल, पोर्चुगल ने हराया था फ्रांस को। टॉयसम इज एन एशियन ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजियस बिलीव डीपली रूटेड इन, तो ये टॉयसम जो है ये चाइनीज कस्टम और कस्टम है ये, और वर्ल्ड व्यू है इसका, वर्ल्ड व्यू और चाइनीज कस्टम है ये। तो टॉयसम इज ए एशियन ट्रेडिशन फिलोसफी, फिलोसफी का पुराना तरीका है ये, रिलीजियस को मानने का तरीका है कि टॉयसम जो कि चाइनीज कस्टम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर जो इमरजेंसी हार्मोन है वो एड्रेनालिन है, जिसको एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनालिन ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, और ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होते हैं, किडनी के टॉप के ऊपर होते हैं, जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, जो बॉडी कंट्रोल करती है, जो हेल्प करते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटीन और फैट को बर्न करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज नॉट एसोसिएट विद द साउंड वेव, तो कैंडेला था एक टर्म था जो कि साउंड वेव से एसोसिएट नहीं है। इन कंप्यूटर साइंस डेटा हजार्ड्स अकर व्हेन, तो कंप्यूटर साइंस में डेटा हजार्ड्स कब होता है, जब पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड एंड राइट एक्सेस टू ऑपरेंट्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल वाइसरॉय वॉज द इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड, तो इंडियन सिविल सर्विसेज किनके टाइम पे स्टार्ट हुई थी, कॉनविल्स थे गवर्नर जनरल, उनके टाइम पे ये स्टार्ट करी गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर के अपर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर और आखिर में एक्सोस्फेयर, साथ में इनके बीच में आइनोस्फेयर, तो एक्सोस्फेयर था जो आपका आंसर था। विच फर्स्ट कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाई इंडिया, तो सारस नाम का पहला कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने डेवलप किया है। वेब्ड नेक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वेब्ड नेक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ट्यूनर सिंड्रोम का। ट्यूनर सिंड्रोम कब होता है, जब आपके क्रोमोसोम्स के अंदर डिसऑर्डर होता है और एक्स वाई की जगह कोई दूसरा आ जाता है, एक्स वाई में फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो अगर एक्स की जगह अगर कोई दूसरा वाई आ गया या कुछ दूसरा आ गया है नहीं है यहाँ के ऊपर, तो ये क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, यहाँ पर खाली हो जाता है। तो 45 टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45 ही होते हैं, और जो यहाँ पर डबल एक्स होना चाहिए था फीमेल में वो एक एक्स नहीं होता है, तो ये जब नहीं होता है तब क्या होता है, आपका ट्यूनर सिंड्रोम होता है, उसके अंदर वेब नेक बन जाती है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेस गैट एज इट्स हेडक्वार्टर इन, तो पहले तो थी GATT, इसको बदल के बनाया गया WTO और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। द मिनिमम एज विधान परिषद के लिए मेंबरशिप के लिए कितनी चाहिए, वो 30 साल चाहिए विधान परिषद के लिए। फर्स्ट कमर्शियल वाला अपना क्वेश्चन हो चुका था, और जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनर बंगला, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये आपका क्वेश्चन था। लैक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, लैक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है झारखंड, और ये लैक किस चीज़ में काम में आती है, ये वुड के काम में आती है, वुड फिनिश के, स्किन कॉस्मेटिक के, ड्राई में काम में आती है, ड्राई ऑफ वुल एंड सिल्क, और कई जूसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है, और ये झारखंड है जो कि इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन इज, तो सेव चाइल्ड मूवमेंट किनका, कौन है इस आंदोलन के फाउंडर, वो है कैलाश सत्यार्थी, ये नोबेल अवार्ड मिला था इनको रिसेंटली मलाला यूसुफजई के साथ में, और इन्होंने तब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया था, तब यूनाइटेड नेशंस भी चाइल्ड लेबर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज द सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव द सेम, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम वेवलेंथ होगी तो वो सेम ही लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस करेंगे, आपको ध्यान रखना है। लच्छू महाराज क्या करते थे, वो एक फेमस तबला वादक थे लच्छू महाराज। एट ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेटू सैंडलवुड, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट है जो कि डेक्कन प्लेटू में मिलता है, कौन सा है, सैंडलवुड है। कलारी पायाट इज ए मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट, तो कलारी पायाट मार्शल आर्ट है कौन से स्टेट का, ये केरला का है, आपको ध्यान रखना है। लेप्टोस्पिरोसिस इज ए डिजीज कॉज बाय, तो लेप्टोस्पिरोसिस है ये डिजीज होता है बैक्टीरिया से, आपके आंसर में नन था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होता है बैक्टीरिया से, और एक डिजीज होता है वो होता है लेप्टोस्पिरिया जर्म्स, उसी से ये होता है, और एक ये बैक्टीरिया है ये।
मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे अबंडेंट मेटल जो है वो कौन सा? एल्यूमिनियम है। हेपेटाइटिस इफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो हेपेटाइटिस से क्या होता है, कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? लिवर होता है। मोहम्मद शाहिद है रिसेंटली पास वॉज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, मोहम्मद शाहिद एसोसिएटेड थे किससे? हॉकी से। ए मार्केट इकोनॉमी इज वन विच इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? फ्री होती है गवर्नमेंट कंट्रोल से। अभी रिसेंटली जिनको 2015 का जनपथ अवार्ड दिया गया था वो कौन थे? गुजराती थे। ए नोवलिस्ट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विच लैंग्वेज हैज बीन कंफर्ड विद द जनपथ अवार्ड फॉर 2015? गुजराती। और क्या देखते हैं, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वॉज लेड बाय, तो कैबिनेट मिशन 1947 का जो वॉज लेड बाय द सर पैट्रिक लॉरेंस। ओके, आपको ध्यान रखना है पैट्रिक लॉरेंस थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन को लीड किया था। माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन अरावली रेंजेस, तो माउंट आबू कहाँ पर? अरावली रेंजेस के अंदर। ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुला इंडिया इज, पेनिनसुला इंडिया, पेरेनियल का मतलब है जो कॉन्टीन्यूस ही रहती है, साल भर चलती है जो, ओके, जिसके अंदर पानी हमेशा रहता है, तो ये पेनिनसुला इंडिया की पेरेनियल रिवर कौन सी? कावेरी है, यहाँ पे पेरेनियल रिवर जिसको कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स, तो सेलुलोज है जो कि बेस बनाता है वेजिटेबल फाइबर्स का। अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑन अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ व्हेन इट रीचेज द हाइएस्ट पॉइंट इट हैज अ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, जब आप किसी पार्टिकल को सबसे ऊपर फेंकोगे उसको तो सबसे ऊपर पहुँचने के बाद वो नीचे ही आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तो वो उसको अपन बोलेंगे डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। CPU scheduler is also known as the short term scheduler. CPU scheduler को अपन short term scheduler भी कहते हैं। During fermentation of the sugar, the compound which is always formed is ethyl alcohol. तो अगर fermentation करोगे आप sugar का तो एक compound मिलेगा उसका नाम होगा ethyl alcohol. Which type of democracy do we follow in India? तो इंडिया में representative democracy है, ओके, अपने को कुछ नेता अपन चुनते हैं वो अपने को लीड करते हैं कहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। ए सोशल एक्टिविस्ट है चानू शर्मिला, ओके, हु वॉज रिसेंटली अनाउंस टू एंड 16 ईयर ओल्ड हंगर स्ट्राइक बिलोंग टू विच स्टेट, जिन्होंने अपने 16 साल का हंगर स्ट्राइक को अब रिसेंटली तोड़ा था, चानू शर्मिला। ये कौन से स्टेट के है? ये है मणिपुर की है, अब ये इलेक्शन भी लड़ेगी। द क्वालिटी और टोन ऑफ द म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन इट, द क्वालिटी ऑफ द टोन ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड, जैसी उसकी वेव फॉर्म होगी वैसे ही उसका म्यूजिकल साउंड आएगा। What did Gandhi ji meant by the Sarvodaya? तो सर्वोदया क्या था? A birth of a new society based on ethical values. तो एक ऐसी सोसाइटी थी जो जिसका प्रिंसिपल था एथिकल वैल्यूज। When the solar eclipse takes place? तो सोलर eclipse कब होता है? सोलर eclipse कब होता है? द मून बीच में आता है किसके? अर्थ के और सन के। eclipse का मतलब है छिप जाना, ओके, तो यहाँ पे अगर मून है तो यहाँ के लोगों को सूर्य नहीं दिखेगा, तो उनके लिए क्या हो गया? ये सोलर एक्लिप्स हो गया, ओके। और मून और लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ बीच में आ जाती है इसके, ये है लूनर एक्लिप्स। तो यहाँ के लोगों को जब मून नहीं दिखेगा तो वो एक्लिप्स हो जाएगा उनके लिए, तो लूनर एक्लिप्स, ओके। उस लूनर एक्लिप्स के बीच में अर्थ बीच में आ जाती है मून और सोलर सन के। स्ट्रट ऑफ ग्रिब्राल्टर कनेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो स्ट्रट और ग्रिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है? एक अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरियन सी को, तो आपको ध्यान रखना है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, और ये स्पेन और मोरक्को को भी सेपरेट करता है, स्पेन जो बिल्कुल साउथ स्पेन है और मोरक्को, और साथ में कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड, तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? माधोपुर के अंदर है, माधोपुर, ये माधोपुर है भुज के पास में गुजरात, तो गुजरात के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय, तो RRB को स्पॉन्सर करते हैं नेशनल कमर्शियल बैंक। रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर इन्वॉल्व्स अ प्रिंसिपल, तो जो रिमूवल होता है कार्बन पार्टिकल्स का उसके अंदर इलेक्ट्रोपोरेसिस यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोपोरेसिस। नेक्स्ट देखते हैं विच लाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन लाइट है जो कि सबसे लीस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। और सबसे अच्छा बेस्ट ऑब्जर्वेंट कौन सा है जो कि ऑप्शन में दिए हुए थे, उसमें था एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल। एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल क्या है? बेस्ट ऑब्जर्वेंट है। द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ द सोलर एनर्जी इज डन बाय, तो सबसे ज़्यादा फिक्सेशन जो सोलर एनर्जी का करते हैं वो करते हैं ग्रीन प्लांट्स। हर्षा ने अपनी कैपिटल मूव करी थी कहाँ से? थानेसर से कन्नौज के लेकर, ओके, थानेसर से कन्नौज अपनी कैपिटल मूव करी थी। हु इज द, और थानेसर है हरियाणा में और कन्नौज UP। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द CEA ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? वो है अरविंद सुब्रमण्यम,
ओके, अरविंद सुब्रमण्यम है जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। विच टाइप ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ? तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जिसको अपन अनसेफ मानते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, एक ये फॉरन डिपॉजिट होता है किसी भी कंट्री के बैंक के अंदर, और बैंक में डिपॉजिट कराने के बाद में सेल और परचेज की जाती है। परचेज की जाती है वहाँ के स्टॉक में और वहाँ के मार्केट में कोई भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में, तो इस चीज़ को अनसेफ माना जाता है कि पहले आपने फॉरन डिपॉजिट कर दिया किसी भी कंट्री के बैंक में और उसके बाद आप परचेज कर रहे हो वहाँ के कंट्री के स्टॉक। द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज? तो चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमिटी के कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कस्टमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स? तो लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लेके आता है। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग DNS अलाउंस टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज? तो जो बेसिस है जो डिटरमाइन DNS अलाउंस टू एम्प्लॉय के लिए वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI बोलते हैं इसको, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड डिफरेंस कर्व मेजर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। तो एक इनडिफरेंस कर्व होता है, इनडिफरेंस कर्व वो मेजर करता है सेटिस्फैक्शन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? एस्टिमेट कमेटी है। इसके अंदर नियर बाय, इसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं एस्टिमेट कमेटी के अंदर, और ये लोकसभा की कमेटी है क्योंकि सारे जो मनी बिल है वो लोकसभा में ही जाते हैं, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करती है, और इनका जो टेन्योर होता है वो टेन्योर 1 ईयर का होता है इस कमेटी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बायकैमरल लेजिस्लेशन? तो बायकैमरल लेजिस्लेशन किसकी थी? जो ऑप्शन दिए हुए थे जम्मू एंड कश्मीर की भी थी यहाँ पे, यानी कि आपकी विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होता है, जैसे राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, ओके, वैसे कई सारे स्टेट्स में विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी है, तो जम्मू कश्मीर में भी ये है। कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन विच विटामिन? तो कॉड लिवर ऑयल में क्या मिलता है? विटामिन डी में ये रिच होता है। आइसोलाइंस ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल और कोल्ड? आइसोलाइंस जो इक्वल प्लेस ऑफ रेनफॉल को ज्वाइन करती है, ओके, रेनफॉल को ज्वाइन करती है वो, उनको अपन बोलते हैं आइसोहेड्स। स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू? स्वदेशी जब बायकॉट मूवमेंट हुआ था, ये जब बंगाल के पार्टीशन के टाइम पर हुआ था 1905 के अंदर। और कौन सी रिवर जो कि डेल्टा फॉर्म नहीं करती है? वो है तापी रिवर। बबीता कुमारी, बबीता कुमारी जिन्होंने रियो ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, ये रेसलिंग से बिलोंग करती है, और महावीर फोगाट इन्हीं के फादर हैं जिन पे अभी मूवी दंगल बनी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर पल्प ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि पल्प ब्लीचिंग के अंदर यूज आता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन, और दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि गवर्नर थे मोहम्मद गजनी के। ईस्ट इज है, ईस्ट एक फंजाई है, तो ईस्ट की एक अल्कोहल इंडस्ट्री में, ब्रिविजेस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इसको, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ईस्ट को। म्यूटिनी ऑफ 1855 वॉज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय? तो पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखी थी VD सावरकर ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है, और यह है MP के अंदर। CPU कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट, और बहुत ही आसान सवाल था ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? तो स्केलेटन मसल्स एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इंफ्रारेड इमिट्स करेंगे। ओजोन प्रोटेक्ट्स बायोस्फीयर फ्रॉम? ओजोन प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेड्स है जो कि सन के द्वारा आती है, तो उसको उन रेस से ओजोन अपन को प्रोटेक्ट करती है। द मॉलिक्यूल मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस इज वेपर प्रेशर, तो मॉलिक्यूल मास ऑफ गैस का क्या होता है? ट्वाइस होता है उसका वेपर प्रेशर का। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इज रिलेटेड टू? तो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम लॉन्च करी गई थी वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए करी गई थी अमॉन्ग STSC एंड द वुमेन कैंडिडेट। तो ये STSC कैंडिडेट दो और साथ में वुमेन, तो इनको सबको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिसके अंदर बैंक इनको लोन देता है करोड़ तक का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक इस कौन से इंस्टीट्यूशन को कहते हैं? दोनों को कहते हैं IBRD जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, साथ में IDA, दोनों को मिलाकर बोलते हैं अपन वर्ल्ड बैंक। विच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा ऐसा है जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं? नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, नैनीताल इसको अपन बोलते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस कौन से जाते हैं जो कि ऑप्शन में दिए हुए थे इसमें? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम और इनकम टैक्स, तीनों ही किसके पास जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ब्राउन स्ट्रेन इन वेसल एंड अ क्लोथ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटीज ऑफ? तो ब्राउन स्ट्रेन जब वेसल के अंदर आ जाते हैं क्लोथ के अंदर, वो हाई क्वांटिटीज किसके इंडिकेट करते हैं? मैग्नीज की करते हैं, कि पानी के अंदर मैग्नीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक ग्रुप? तो ब्रिक ग्रुप का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया इसका पार्ट नहीं है।
डू और डाई ये कब बोला गया था? ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कहा गया था और महात्मा गांधी ने ये स्लोगन दिया था। पार्सेक इज अ यूनिट मेजरमेंट, और पार्सेक किसकी यूनिट मेजरमेंट है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की है। अ कलेक्टेड टर्म यूज बाय द जैंस फॉर देयर सेक्रेट बुक्स, उनके सेक्रेट बुक्स के लिए जो कलेक्टेड टर्म्स है वो अंगज अंगज कहा जाता है उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन फिस्कल पॉलिसी का भाग नहीं है, सभी को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एट रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड इज, मरकरी है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहता है, इसीलिए आपके थर्मामीटर में काम में लिया जाता है। विच इज नोन एज द कार्बोलिक एसिड, तो फिनॉल है जो कि कार्बोलिक एसिड है। और विच रिवर इज द तेहरी डैम, तेहरी डैम किस पे बना हुआ है? भागीरथ रिवर पे बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। विच कंट्री इंडिया इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में अटैच है, हालांकि लगता नहीं है लेकिन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में अटैच है। विच स्टेट इंडिया इज द लार्जेस्ट कोस्टलाइन, वापस से रिपीट हुए हैं कई क्वेश्चन है 2016 के अंदर ही, इसीलिए मैं फ्रेंड्स बोल रहा हूँ कि 2017 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि 2016 से पिक होंगे, 2016 के अंदर ही 2016 के अंदर कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो 17 में तो काफ़ी होने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक या दो बार जरूर देखिएगा। और इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टलाइन कौन सी है? गुजरात की है। जोग फॉल जो कर्नाटका के अंदर है, जो कि हाईएस्ट फॉल जिसको अपन बोलते हैं इंडिया का, ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये सरस्वती रिवर के ऊपर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स ए फर्म डज नॉट एक्सर्स कंट्रोल ओवर प्राइस, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कभी भी एक फर्म कंट्रोल नहीं कर पाती है प्राइस को, उसी को अपन बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, क्योंकि जैसे भी अपने अरेबियन ओशन से अरेबियन सी से जब विंड आती है तो वेस्टर्न घाट्स पर टकरा के ही वहाँ पे मानसून हो जाता है, और उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है वो ड्राई रह जाता है, और वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी बारिश होती है, इसीलिए महाबलीपुरम जो महेश्वरम जो महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट्स के लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश होती है, और पुणे वुणे के अंदर बारिश कम हो पाती है, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पर ही है, तो आपका ऑप्शन में था वेस्टर्न घाट्स, और साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ही आता है, लेकिन वो शायद ऑप्शन में नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन, तो यूरिन के अंदर क्रिएटिन मिलता है, वाटर सॉल्ट प्लस यूरिन क्रिएटिन भी होता है उसके अंदर, ओके तो ऑप्शन के अंदर क्रिएटिन था, तो आपका क्रिएटिन आंसर हुआ। थैमस ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड थायमोसिन, ओके थायमस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम है थायमोसिन, और थायमोसिन टी सेल का क्रिएशन करता है, आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है, ये ट्रिगर करता है और क्रिएशन करता है इसका टी सेल्स का, टी सेल्स एक इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ नो एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी होती है, एंटीजेंस होते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप के पास में एंटीबॉडी नहीं है। कौन सा विटामिन है जिसके ज़्यादातर लेने पे डेंजरस है, अगर एक्सेस में ले लिया जाए बॉडी में तो डेंजरस बन जाता है, वो है विटामिन ए और डी, विटामिन ए और डी दोनों ही एक्सेस में नहीं लेने चाहिए। एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है जिससे एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है। The phenomena of the change in the direction of light when it passes from the one medium to another is called, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्लैक्शन के अंदर वापस चली जाती है और रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन डाइवर्जन हो जाता है, तो ये रिफ्रैक्शन ही है जिसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के पास होने के ऊपर, ओके। हु हैज द लाइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज, हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है? ये लोक स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं, और जितने भी मनी बिल की जो पावर्स है वो लोकसभा के पास में ही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय आरबीआई रिसेंटली टू चेक इलीगल मनी कलेक्शन, तो इलीगल मनी कलेक्शन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम है सचेत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओपेरा उसके अंदर था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक ब्राउजर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द ग्रैंड ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड 2016, तो दो कौन सा पेयर है इंडियन का जो कि इनको 2016 का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया लीडरशिप के लिए? सो फ्रेंड्स देखते हैं, और कई सारे इसके अंदर लीडरशिप ही नहीं, इसके अंदर कई सारे इसके अंदर कैटेगरीज है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी इनके अंदर अवार्ड दिया जाता है, तो दो इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड मिला 2016 के अंदर, एक तो विल्सन है और एक कृष्णा है। विल्सन को दिया गया मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इस चीज़ के ऊपर लेकर, और कृष्णा को दिया गया टीएम कृष्णा को दिया गया म्यूजिक के लिए ऊपर लेके, ओके सोसाइटी में म्यूजिक का जो इम्पैक्ट इन्होंने रखा है और किस तरीके से सोसाइटी में चेंज करने के लिए म्यूजिक काम में आ सकता है, उस चीज़ को लेके इनको ये अवार्ड दिया गया। द डिस्क्रिनियरी पावर ऑफ द गवर्नर इज लिमिटेड, तो द डिस्क्रिनियरी पावर है गवर्नर की वो लिमिटेड है बिल को ही लेके, असेंट टू बिल्स। सो हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तो देश का पहला लॉ ऑफिसर किनको कहा जाता है, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, ओके
अटॉर्नी जनरल होते हैं। और अटॉर्नी जनरल ये कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ये प्रेसिडेंट के या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर कोई भी कोर्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एक्टिवली एंगेज इन द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया? तो एक्टिवली जो इंगेज नहीं थे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया के अंदर वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्रा। जो ऑप्शन थे उनके अंदर हरिश्चंद्रा ही थे जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। द मेन इफेक्ट ऑफ द डायट टैक्सेस इज ऑन इनकम। डायट टैक्सेस का मेन इफेक्ट होता है इनकम के ऊपर। हु हैज़ द पावर टू प्रोलॉन्ग द लोकसभा? तो लोकसभा को प्रोलॉन्ग करने का पावर किसके पास? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में ही है। द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वर, तो पहले यूरोपियन जो कि भारत आए थे वो थे पोर्चुगीज। 1498 के अंदर आए थे वास्को डी गामा के थ्रू और ये कैलिकट में पहुंचे थे। द टर्म डंपिंग रेफर्स टू शी इज़ अ फॉरन मार्केट ऑफ अ कम्युनिटी एट अ प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट। सो इट इज़ अ फॉरन मार्केट। ओके, डंपिंग रेफर किया जाता है किसके लिए? ठीक है, डंपिंग के लिए इसको रेफर किया जाता है। ये एक फॉरन मार्केट कम्युनिटी है एट अ प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट से कम प्राइस रखी जाती है तब इसको अपन बोलते हैं डंपिंग। व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर? तो वर्टिकली इक्वेटर कितनी बार होती है? ट्वाइस ए ईयर होती है। एक साल में दो बार होता है जब सन शाइन वर्टिकली होती है इक्वेटर के ऊपर। लिचन इज एन एसोसिएशन बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो लिचन जो है वो एसोसिएशन है किसका? एल्गी का और फंजाई का। ओके, एल्गी और फंजाई, इन दोनों का क्या है? ये एसोसिएशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो जो भी न्यूट्रिशन की जो ऑप्शन में दिए हुए थे उसमें मिल्क सबसे पुअर सोर्स है किसका? विटामिन सी का। मिल्क के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बो सभी मिलता है आपको, बस विटामिन सी नहीं मिलता है। ये बहुत ही मिलता है, बहुत ही पुअर सोर्स है उसका। विटामिन सी आपकी आपकी जो कैपेसिटी है जो लेने की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती मिल्क से। वॉट इज अ पीपर प्लांट? पीपर प्लांट एक वाइन है। ओके, वाइन को अपन बोलते हैं हिंदी में बेल। पीपर प्लांट क्या है? एक बेल है, इसको अपन वाइन बोलते हैं। व्हाई डज कैनन रिकॉल आफ्टर फायरिंग? तो कैनन जो है वो रिकॉल, जब बंदूक है या फिर कोई भी तोप है वो रिकॉल आफ्टर फायरिंग, वापस से बैक फायर क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप आगे फायर करते हो तो उसका पीछे भी फायर होता है, तो इसी वजह से इसको ये कैनन क्या करती है? रिकॉल आफ्टर फायरिंग करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्राइमरी की इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की। तो ये स्टेटमेंट सही था बाकी सारे स्टेटमेंट के कंपेरिजन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स? तो नॉन स्टिक कोटिंग करते हैं जो है यूटेंसिल्स की, वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। कई बार क्वेश्चन ही रिपीट होता है। सुनामी इज अ नेम गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो सुनामी जो नाम दिया गया वो टाइडल वेव्स को दिया गया और काफ़ी सालों पहले ये आई थी जिसके अंदर इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका में काफ़ी नुकसान हुआ था। द फर्स्ट इंडियन टू गेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस कौन थे? जेआरडी टाटा थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रेन क्लाउड्स? तो इन सभी में से रेन क्लाउड्स कौन से हैं? वो है निम्बो स्ट्रेटस और कम्युलर निम्बस। ये दो हैं जो कि रेन क्लाउड्स है, निम्बो और कम्युलर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी? तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है। पार्टिकुलेट्स लेस देन 1 mm रिमेनिंग सस्पेंडेड इन एयर इनडेफिनेटली एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करंट्स आर कॉल्ड एरोसोल्स। एरोसोल्स होते हैं जो कि इनके साइज 1 mm से कम होता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड करंट से ही। अ लीस्ट प्रीफर टेक्निक इन द डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज? तो ब्रैकेटिंग है जो कि लीस्ट प्रीफर टेक्निक होती है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने की। ए बॉम्ब एक्सप्लोजिव ऑन द मून, यू विल हेयर इट साउंड ऑन अर्थ आफ्टर। तो अगर मून के ऊपर बम ब्लास्ट करवाओगे आप तो उसका कितने टाइम बाद आपको अर्थ में आवाज़ सुनाई देगी? आपको आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। ओके, यू कैनॉट हेयर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन? तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? टू लाइट न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। तो फ्यूजन के अंदर कंबिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा का, और फ्यूजन जब होता है तो उसके अंदर ब्रेकिंग होती है एक पार्टिकल की ज़्यादा के अंदर। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? तो इन सभी को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था। सो आपके सबसे पहले भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, उसके बाद हैदराबाद है, उसके बाद चेन्नई, फिर कोची। ब्रिटिश एक्टिविस्ट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी उसी के बाद में ब्रिटिश ने इंडिया में पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लिया था। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स यूएन में कितने हैं? 5 है। और सारस क्या है? सारस एक मल्टीपर्पज सिविल एयरक्राफ्ट है जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये पहला इंडिया का इंडिजीनियस है। ओके, और भीष्मा क्या है? एक टैंक है। ब्रह्मोस अपने मिसाइल है, और इनसेट 3C क्या है? सैटेलाइट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये IMF करती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर।
बायलेटरल मोनोपोली सिचुएशन कब आती है? वन देर इज ओनली वन बेयर एंड ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोली कब होती है? जब सिर्फ एक ही बेयर हो और एक ही सेलर हो। लॉरेंस कर्व क्या शो करता है? लॉरेंस कर्व एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ओके, जितना ये सीधा होगा उतना ही आपके इनकम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, यानी कि जो रिचर और पुअर दोनों के पास में पैसा पहुंच रहा है, न्यूट्रलिटी है। लेकिन जैसे ये कर्व डाउनवर्ड होने लगता है तब क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अमीर अमीर हुए जा रहा होता है, गरीब गरीब हुए जा रहा होता है। तो इसी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को अपन बोलते हैं लॉरेंस कर्व। द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल राइट टू फ्रीडम। प्रिवेंटिव जब डिटेंशन होती है तो राइट टू फ्रीडम खत्म कर दी जाती है। ऑर्निथोफिली इज अफेक्टेड बाय, ऑर्निथोफिली इज अफेक्टेड बाय बर्ड्स। टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग? तो गौतम बुद्ध कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? शांख्या ट्राइब थी जिससे ये बिलोंग करते थे, इनके फादर उसके किंग थे शांख्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इग्निशियस रॉक? इग्निशियस रॉक, डोलोमाइट इग्निशियस रॉक नहीं है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक से डोलोमाइट मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको विटामिन डी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोलते हैं कि सनलाइट के अंदर थोड़ा देर बैठना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको विटामिन डी मिलता है और हड्डियाँ मजबूत होती है बिकॉज कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन इज, सन की आउटरमोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं क्रोमोस्फेयर, इसको करोना भी बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर। कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोसेस इज नोन एज डीमॉन्स। डीमॉन्स बोलते हैं कॉन्स्टेंट रनिंग सिस्टम प्रोग्राम को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन? तो विटामिन बी है जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेन होता है। साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल, अगर स्टडी ऑफ सॉइल करनी है तो पीडोलॉजी करनी पड़ेगी। विथ विच स्पोर्ट इज द पी वी सिंधु? पी वी सिंधु सिल्वर मेडलिस्ट है रियो ओलंपिक के अंदर और ये बैडमिंटन से बिलोंग करती है। इन हाइड्रल पावर सिस्टम द मोशन प्रोड्यूस इन टर्बाइन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर। हाइड्रल पावर सिस्टम के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस होता है टर्बाइन का, वो पानी के फ्लो से ही होता है। एक उसके आगे पानी के, जैसे ही अगर आप एक डैम कंस्ट्रक्ट करोगे यहाँ पे पाइपलाइंस होगी, यहाँ पे इसके नोजल लगा होगा, उस नोजल आपके विंड टरबाइन के ऊपर पड़ेगी और ये टरबाइन रोटेट करेगी। तो फ्लो ऑफ वाटर से क्या होता है, टरबाइन रोटेट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज द लाफिंग गैस? लाफिंग गैस को बोलते हैं अपन नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और ये पहले ये क्वेश्चन वापस पे हो चुका है, पहले ये पूछा था कि एयर पोल्यूटेंट है क्या, तो ये एयर पोल्यूटेंट नहीं था। अ सॉलिड वेस्ट ऑल्सो नोन एज, सॉलिड वेस्ट को अपन स्लज भी बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। इफ वेस्ट मटीरियल कंटेमिनेट द सर्फेस ऑफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कौन सा डिजीज फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है? वो है टाइफाइड। टाइफाइड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है अगर आप ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट हो चुका है तो। कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू, कलमकारी पेंटिंग क्या होता है? ये एक साउथ इंडिया की पेंटिंग स्टाइल है, एक हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेक द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया? तो सर्विस इंडस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा, जिससे लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसका GDP के अंदर। ओके, उसके बाद में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, देन एग्रीकल्चर। और चंचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्कर्ड? तो चंचनामा में क्या हुआ था, अरब्स ने इन्वेजन किया था। ओके, चंचनामा में क्या क्या हुआ था, अरब्स में, अरब्स की जो कॉन्कर करके जो हिस्ट्री है वो इसके अंदर। द डीपेस्ट ट्रंच ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट ट्रंच है वो क्या है, जावा ट्रंच है। अभिनव भारत वॉज फाउंडेड इन 1904 एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज बाय। तो अभिनव भारत वॉज फाउंडेड इन 1904 एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ, ये किसने इसको फाउंड किया था, वो क्या था, वी डी सावरकर ने, वी डी सावरकर, अभिनव भारत। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट्स वॉज कंटेन इन आइडियल वेलफेयर स्टेट के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए जो पॉलिसीज बताई गई है वो आपको किसने बताई जाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के अंदर। और ये अपन आयरिश आयरलैंड से लिया है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा किसको बोलते हैं, म्यांमार को बोलते हैं। विच इंडियन ऑथर इन मे 2016 वॉन द प्रेस्टीजियस 2016 सोशलिस्ट एशियन बुक अवार्ड फॉर हर बुक कोडेक्स द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ द इंडस? तो ये अदिति कृष्णा कुमार थी जिनकी एक किताब थी कोडेक्स नाम से, और इनको सोशलिस्ट एशियन बुक अवार्ड मिला था 2016 का। और निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड? तो कोकी वो बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया होता है। इंटेंसिव कल्टिवेशन रेफर टू रेजिंग प्रोडक्शन बाई इंटेंसिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड। तो एक ही लैंड के ऊपर कई बार अगर आप बार बार खेती करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटेंसिव कल्टिवेशन हो जाएगा। अपॉन विनिंग विंबलडन वुमेन टेनिस टूर्नामेंट 2016 सेरेना विलियम इक्वल रिकॉर्ड 2022 ग्रैंड स्लैम विन ऑफ। तो जैसे ही विंबलडन जीता सेरेना विलियम्स ने, उन्होंने रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम का 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए और बराबर कर दिया किसके ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है किसके, स्टेफी ग्राफ के। तो स्टेफी ग्राफ ने भी क्या करा है, 22 ही ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो उनके बराबर पहुंच गई सरेना विलियम जैसे उन्होंने विंबलडन जीता। यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। आमिर खुसरो कौन थे, ये एक पोइट थे।
और द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्व द ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि IAS, IPS, ओके, IR और आपके IFS, ये सब किसको सर्व करते हैं? स्टेट और सेंटर दोनों ही गवर्नमेंट को करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो 5 साल के लिए होता है इनका टेन्योर। और हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन टू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस को मिलाने जवाहरलाल नेहरू ने VP मेनन को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी थी इंटीग्रेशन करने के लिए देश की। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका इसका आंसर था। वाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल देन सदर्न मोस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट? तो जैसे कि मैंने इसका पहले आपको रीजन बताया था, अरेबियन सी से जब विंड आती है तो माउंटेन्स में वेस्टर्न घाट से टकरा के सारे के सारे रेनफॉल यहीं पर ही हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा है। महाबलेश्वरम देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है और पुणे साइड में कम है, तो यही आपका रीज़न था। द वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट द विंड कॉजिंग रेनफॉल। द प्लेटू डेट हैज़ द बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम इज मालवा प्लेटू, जहाँ पे उसको वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम होता है दोनों का। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन पीस। तो पीस जो है उसके अंदर सिम्बायोटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये मालवा प्लेटू को मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मालवा प्लेटू जो है ये MP राजस्थान यहाँ पे है, बेसिकली ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया के अंदर है ये मालवा प्लेटू, और थोड़ा सा पार्ट इसमें राजस्थान का भी अटैच होता है। चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफ़र फ्रॉम, जिनके ऊपर सनशाइन नहीं मिलती है जिन वेस्टर्न कंट्रीज को, यानी कि सूर्य की किरणें नहीं मिलती है, उनके विटामिन डी की कमी हो जाती है और उनके हो जाता है रिकेट्स। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ ऑफ क्लोरोअमीन्स इंश्योर्स, क्लोरोअमीन्स अगर यूज़ करोगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो डिसइन्फेक्शन को हटाने का काम वो करता है। सुपर कूलिंग स्टैंड फॉर कूलिंग ऑफ ए लिक्विड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो सुपर कूलिंग स्टैंड फॉर कूलिंग ऑफ ए लिक्विड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। एल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन वाटर, तो एल्कोहल ज़्यादा वॉलेटाइल होता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम, पासवर्ड है जो कि आप यूज करते हो। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFIs में किसको इंक्लूड नहीं किया गया, वो है BOI। विच मेथड विल बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो फॉर्मेंटेशन ऑफ लेदर विथ सोप। ओके, इसको आप कभी भी एम्प्लॉय करोगे हार्डनेस पता करने के लिए, जितना ज़्यादा सोप यूज होएगा पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा वो पानी हार्ड है वो। तो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल विनर इन इंडिविजुअल कैटेगरी इन द ओलंपिक गेम्स, तो भारत का पहला इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया था अभिनव बिंद्रा ने। सबसे वार्मेस्ट लेयर एटमोसफेयर की कौन सी है, वो है थर्मोस्फेयर। यूनिवर्सल डोनर वापस से रिपीट हुआ जो कि ओ है। सियाचिन ग्लेशियर जो द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो सियाचिन ग्लेशियर से जो पानी मेल्ट होता है वो मेजर सोर्स कौन से रिवर का है, नुब्रा वैली का है, इसको बोलते हैं अपन नुब्रा वैली। ये आपके खरदुंगला पास और साथ खरदुंगला पास और तुरतुक के बीच में आता है। तुरतुक वो लास्ट विलेज है जो कि भारत ने कारगिल वॉर में जीता था, और ये यहाँ पे पूरा पाकिस्तानी कल्चर है लेकिन ये इंडियन टेरिटरी में आता है, और इंडिया ने इसको सियाचिन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तुरतुक विलेज, इसीलिए इंडिया ने इसको अपने पास में रख लिया था। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से है। मैंने आपको पहले ही बताया था थॉमस कप और ऊबर कप। ऊबर कप क्या होता है, उबर कप फीमेल का होता है और थॉमस कप किसका है, मैन कैटेगरी का है, दोनों बैडमिंटन के हैं। और 2016 का मैन कैटेगरी का जीता था डेनमार्क ने और फीमेल का जीता था चाइना ने। द फेमस बुक आनंद मठ वॉज रिटन बाय, आनंद मठ लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हु इंट्रोड्यूस